अगर आप लोगों को टाइम थीटा दिखता है तो आप लोगों ने डायरेक्ट डालना चाहिए साइन थीटा अपॉन क्या डालना चाहिए कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपको कॉट थीटा दिखता है तो वहां डालना है कॉस थीटा और यहाँ डालना है साइन थीटा, ठीक है। टैन और कॉट दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक है। देन सेक थीटा मतलब वन अपॉन क्या हो जाता है कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ जाता है वन अपॉन सेक थीटा, ठीक है। देन नेक्स्ट यू हैव कॉसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन दिस इज साइन थीटा एंड साइन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है ना, सेकेंड जो हमें लगने वाला है वो ये कुछ फॉर्मूलाज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन लगेगा हमें, ठीक है। ये पढ़ चुके होंगे आप लोगों क्लास, एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने बहुत डिटेल में बताया इसको, ठीक है। तो ये पहले फिलहाल अभी के लिए लिख ही लो हम, ओके। और इसके साथ जो हमें इम्पोर्टेंट एक नोट लगने वाली है वो भी मैं आप सब लोग को बताया था, सबको पता होगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है सबको पता है यहाँ माइनस लगने वाला है, राइट, ये सिंपल है। फिर हमें ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है वो ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट, ये पढ़ा है हमने फॉर्मूला, ठीक है। फिर ए रेस टू फोर माइनस बी रेस टू फोर भी है हमारे पास फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और भी स्प्लिट कर सकते, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये वाला टर्म है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, ओ सॉरी सॉरी प्लस स्क्वायर स्क्वायर, लास्ट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ए माइनस बी ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, यहाँ पे जो साइन होगी उसके ऑपोजिट साइन डालनी है, प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन ए बी प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अगर बाय चांस गाइस, अगर बाय चांस यहाँ पे आपके पास ए क्यूब प्लस अगर बी क्यूब आता है तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो ए स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा माइनस और मल्टीप्लाई करो प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो लगने वाली है जो हम यूज करते आए हैं, तो फटाफट गाइस मैं आप लोगों को दो तीन मिनट देता हूँ, फटाफट से कॉपी करो सो दैट हम आगे प्रूफ दैट की तरफ जाना शुरू करें। ओके 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 सर फटाफट करो गाइस। ओके गाइस, तो हमारे सारे शोधार्थ वाले क्वेश्चन हैं, सब लोग ने बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है और उसको ऑब्जर्व करना है और उसको देखना है अच्छे से, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, ओके। सो लेट्स गो विद दिस, वन प्लस थ्री कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट सिक्स रेस टू थीटा इक्वल्स टू कॉसेक्स सिक्स थीटा, ऐसा, ठीक है। तो मतलब प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आता है तुम्हारा राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो गाइस, सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ध्यान से देखना है गाइस, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो वन प्लस थ्री दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट सिक्स थीटा, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये कि आपको जब भी कॉट दिखे, कॉसेक दिखे, सेक दिखे, उन सारे टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। फर्स्ट स्टेप वही होनी चाहिए कि भाई साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करना देखो बताता हूँ मैं आप लोगों को, धीरे धीरे देखते हैं।
वन प्लस करेंगे थ्री करेंगे। अभी कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल देखो उल्टा दिया है मैंने, उल्टा क्या कॉसेक का वन अपॉन क्या है साइन स्क्वायर थीटा होता है। चेक करो कॉसेक का उल्टा क्या होता है वन अपॉन साइन होता है राइट। कॉट का उल्टा क्या होता है दैट इज नहीं सॉरी कॉट का उल्टा नहीं, कॉट का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखना है आप लोगों ने। सबको दिखा मिला वहां पे सब लोगों को, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन डाल, सबको मिल गया नहीं है ठीक है फाइन। नेक्स्ट बार वापस से कॉट दिखा वापस कन्वर्ट करो तो वहां पे क्या आ जाएगा दिस विल बी कॉस सिक्स थीटा अपॉन साइन सिक्स थीटा। ओके फाइन नाउ इसको बहुत ही सोच समझ के सॉल्व करना है आगे ध्यान से ठीक है। सबसे पहले तो ये वन प्लस है इनको लगे तो मल्टीप्लाई कर ले थ्री दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू प्लस टू कितना आ जाएगा फोर साइन रेस टू फोर थीटा ध्यान देना गाइस प्लस दिस इज कॉस रेस टू सिक्स थीटा अपॉन साइन रेस टू सिक्स थीटा। अच्छा यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ ले। एनीवन इसको नहीं। अच्छा अब एक काम करना है यहाँ पे तो भाई फ्रैक्शन बहुत सारे कूट कूट के फ्रैक्शन भरे यहाँ पे तो भाई वो भी कॉम्प्लिकेटेड वाले, तो एक काम करना है क्या करेंगे सबके क्यों ना डिनोमिनेटर सबके सेम कर दें। जैसे कि देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपके पास क्या सिक्स है तो इधर भी क्यों ना साइन रेस टू सिक्स कर दे, इधर भी क्यों ना साइन रेस टू सिक्स करे, मतलब ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करे ताकि सबके डिनोमिनेटर क्या हो गया एग्जैक्टली क्या आ जाए सेम आ जाए। तो गाइस अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो वन के नीचे मुझे साइन रेस टू सिक्स थीटा चाहिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसको ऊपर और नीचे साइन सिक्स थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ऐसे देखो दिस विल बी साइन सिक्स थीटा अपॉन दिस साइन सिक्स थीटा इनटू वन, मतलब ये वन के बाजू में किया मैंने ठीक है प्लस। अब मुझे ये बताओ गाइस ये बहुत ही सेंसेबल वाली बात है, नीचे ऑलरेडी फोर है हमें क्या सिक्स चाहिए ना, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर वाला टर्म के साथ, मतलब यहाँ पे सिक्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसको स्क्वायर का टर्म आ गया इसके बाजू में तो आ जाएगा अपने आप सिक्स। तो इधर हम क्या डालेंगे यहाँ पे जगह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको जरूरत है नहीं तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे कॉस सिक्स थीटा और नीचे बैक कॉस सिक्स थीटा ऐसा आ जाएगा ठीक है। अब देखो ध्यान से हाँ तुम्हारे मैं और एक स्टेप करता हूं मैं, देखो थीटा अपॉन प्लीज एक कट मत कर देना भाई है तो वापस से वन आ जाएगा, हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कट कर दोगे वन ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करना कुछ। थ्री दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये आएगा साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा अपॉन दिस इज ओ सॉरी साइन है यहाँ पे और इधर भी साइन है। अच्छा किसी को यहां तक डाउट है तो प्लीज पूछ लो, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो गाइस बी फ्री टू आस्क, पूछना है किसी को एनीवन नोबडी। ओके तो गाइस अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्यों ना सबको साथ में कर ले, अपॉन साइन सिक्स थीटा ठीक है। ओके गाइस अब यहाँ पे बहुत सोच समझने वाली बात आने वाली है, बहुत अच्छे से सोचना है फिर ये थॉट को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करना है सोच समझ के ठीक है, घाई नहीं करनी है। ओके अब किस तरीके से करें इसको एडजस्टमेंट मैं आप लोगों को बताता हूं मैं। सबसे पहले तो ये टर्म और ये टर्म को साथ में लेके आओ पहले, देखो मैं क्या करने वाला हूँ साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा ये लेके आओ प्लस दिस इज थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इज साइन सिक्स थीटा ऐसा है, एडजस्ट करो उसको पहले लेके आओ ठीक है, घाई नहीं करनी है मैं आपको बराबर चीजें कुछ बताता हूँ एकदम ध्यान से देखो सिर्फ ही। आप क्या कर सकते हो व्हाट यू कैन डू राइट नाउ हियर इज सब लोगों को
ये फॉर्मूला तो पता ही होगा जो जस्ट मैंने अभी इसके पहले लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, सबको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, ये यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आप सब लोग को लग रहा होगा सर यहाँ पे कैसे क्या इस्तेमाल करें, यहाँ तो सिक्स है। बट गाइज अगर ये टर्म को हमने, अगर ये वाले टर्म को हमने कुछ इस तरीके से लिखा, ये साइन सिक्स थीटा है ना, ये अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, देखो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे होल क्यूब प्लस यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ डाल दिया होल क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे थ्री दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे जगह साइन सिक्स थीटा, ऐसे लिख दिया मैंने इन टर्म्स को, तो दिखा देगा ना फिर हम बराबर सही है, राइट। इसको हम ओपन भी करेंगे, आप सबको ये फॉर्मूला तो अभी पता ही है गाइस, एवरीवन नोज दिस फॉर्मूला, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या था, ए प्लस बी, फिर क्या था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आई फॉरगॉट ए माइनस होना चाहिए, राइट। तो इसको भी ऐसे ही करते, ये वाला ए वाला टर्म है, ये तुम्हारा बी वाला टर्म है, तो ये दो टर्म एक इधर आएगा और ये वाला टर्म बी के बाजू में आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब देखो ये ए बना ये बी बना, ये ए है और ये बी है, फिर ब्रैकेट डाउन है, सबको समझ रहा है ये मैं क्या बता रहा हूँ, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, बी फ्री टू आस्क, ऐसे कुछ मुझे कुछ कुछ बोलूंगा मैं, तो प्लीज कुछ भी रहेगा तो पूछ लो बिंदास, नहीं है किसी को डाउट, ओके जाए आगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये टर्म को लेके स्क्वायर करना है, मतलब ये वाला टर्म को लेके, देखो ऑलरेडी स्क्वायर है, वापस से स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी स्क्वायर के टर्म को स्क्वायर करोगे तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, साइन रेज टू फोर थीटा, ऐसे बचेगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, देखो माइनस है, फिर इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे प्लस लास्ट में स्क्वायर है किसका, अभी इसकी बारी स्क्वायर की, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस रेज टू फोर थीटा, ऐसा आ जाएगा, और उसके बाजू वाला जो टर्म है गाइस मैं इधर लिख रहा हूँ, प्लस थ्री दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इज साइन सिक्स थीटा, ठीक है, फाइन। अब मेरी पूरी बात सुनो गाइस, आई विल बी रिक्वायरिंग अ प्लेस टू सॉल्व दिस, एटलीस्ट इतनी जगह तो मुझे लगेगी, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ गाइस कि आप सब लोग यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, इतना जैसे हो जाएगा स्क्रीन पे थम्स अप कर दो, मैं तुरंत फिर यहाँ से कंटिन्यू करूंगा सम को सॉल्व करने, इतनी जगह लगेगी बस, इतने में हो जाएगा मेरा काम, तो सब लोग क्या करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे, फटाफट कॉपी करो गाइस, स्क्रीन पे थम्स अप करना, फिर नेक्स्ट पार्ट में जाना शुरू करूंगा, ओके गाइस, चलो फास्ट 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 जल्दी करें, किसी को यहाँ तक डाउट है तो मुझे पूछो, किसी को डाउट है यहाँ तक, किसी को कंफ्यूजन हुआ, कुछ समझा नहीं है तो पूछ सकता बिंदास, क्लियर है गाइस सबको, ठीक है, चले गाइस तो लिख लो फटाफट से, ओके नाउ देखो गाइस ये बहुत अच्छे से देखो मैं क्या बताने वाला हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कितना आता है वन, मतलब ये पूरा टर्म निकल जाएगा, तुम्हारे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक जगह पे लिख के रख देता हूँ, मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता तो ये टर्म पूरा निकल गया, तो क्या बचा देखो हमारे पास यहाँ पे बचा है, वी आर लेफ्ट विद दिस साइन रेज टू फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज कॉस कॉस फोर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन सिक्स थीटा। अच्छा अब मेरी पूरी बात ध्यान देखना का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखो देखो यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये भी तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, मतलब अल्टा पल्टी है, मल्टीप्लीकेशन फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब वन तो हमेशा होता ही, कैसे अगर कोई नंबर नहीं ना यहाँ पे तो वन तो डेफिनेटली उधर है, तो माइनस वन प्लस थ्री मतलब कितना आता है टू, तो देखो कैसा बनेगा ये साइन
raised to 4 theta plus 2, this is sine square theta into cos square theta, plus this is cos raised to 4 theta upon this is sine 6 theta. ठीक है, नाउ ये वाली बात आप सब लोगों ने अच्छे समझनी है, लेकिन ये समझाने से पहले मैं आप लोग कुछ और बताऊंगा. पहले यहाँ पे देखो, क्या सब लोगों को ये पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, मतलब ए रेस टू क्या हो जाएगा 4, पता है ना, प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, देखो बी रेस टू 4, देखो याद है स्क्वायर के टर्म का स्क्वायर क्या, और वहां पे ए प्लस दो होल स्क्वायर, मतलब को ये एग्जैक्टली ऐसा बना है, चेक करो, देखो ये ए रेस टू 4, ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी रेस टू 4, सबको समझ रहा है अभी, समझाइए. तो मैं इसकी जगह पे क्या डाल दूंगा, यहां डालूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू पावर स्क्वायर, ऐसा डाल दूंगा अपॉन दिस इज साइन रेस टू 6 थीटा. अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आता है 1, तो यहां पे 1 लग गया, तो इधर मुझे बताओ 1 का स्क्वायर वैसे 1 ही होगा, 1 अपॉन क्या आ जाएगा साइन 6 थीटा. अब सिंपल है गाइस, 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, तो हो गया, तो आंसर आ गया. देखो चेक करो फॉर्मूला, कॉसेक 6 थीटा, ये तुम्हारा आंसर आ गया, दैट इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. या ठीक है गाइस, चलो फटाफट से प्लीज लिख लो अपने बुक में. ठीक है, ये अभी यहां से कॉपी करना कि इधर तक लिखना है इसको अच्छे से. ठीक है, कोई डाउट है गाइस तो प्लीज पूछ लो गाइस, एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ एन डाउट बी फ्री टू आस्क. ओके लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वन सम. ठीक है, धुआंधार सम लेते हैं, धुआंधार वाला सम लेते हैं. ठीक है, सो हमारे लिए आता है नेक्स्ट वाला, शो दैट वाला क्वेश्चन है मेरे मित्रों, शो दैट साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है. सॉरी मतलब ये हमारा क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है, जिन लोगों को आता है वो कोशिश कर सकता है, जिनको लगता है कि उन्होंने एक बार यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहिए तो प्लीज देखो मैं आप सब लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ. ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो. ओके, नाउ द थिंग इज व्हाट गाइस, बहुत सोच समझ के आप लोगों ने ये पूरे टर्म को एडजस्टमेंट करनी है. ओके, अभी यहाँ पे आपके पास साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा है. ओके अच्छा गाइस, मैं ये सोचा था अगर आपने ये वाला साइड भी सॉल्व किया ना तो वो इधर ये वाला आंसर इधर आ सकता है, ये वाला आ सकता है आपके पास. अब इससे भी कर सकते हो, लेट्स ट्राई विद दिस वन आल्सो. अगर सपोज मैंने ये कर लिया, जैसे कि ये वाला किया, ये मैंने लिखा ऐसे कुछ साइन स्क्वायर थीटा और इसको होल ब्रैकेट स्क्वायर कर दिया, या आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा होल ब्रैकेट. बहुत सारे लोग देखो गाइस ये भी सॉल्व करके आंसर लिख के आ सकते हैं, चलो मैंने अभी ये लिख लिया तो आपको इधर से थोड़ी थोड़ी हेल्प कर, देखते कितना आ सकता है हमें यहाँ से. ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है कि सब लोगों को ये तो पता ही होगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सबको पता होगा राइट. तो क्यों ना गाइस हम एडजस्ट करना शुरू कर दें इसको, एडजस्टमेंट तो किस तरीके से कर, जैसे कि हमें साइन स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे, तो जगह पे क्या डालेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहाँ डाल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये साइड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अगर ये साइड से सॉल्व कर तो फटाक से आ जाएगा आपका आंसर. चलो अभी लिखा तो करते, वो भी सॉल्व करके देता हूँ मैं आपको, 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, प्लस इधर भी अगर आपके पास कॉस, इधर भी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे. ठीक है, सो दिस कैन बी, ये भी हो जाए कुछ ऐसा हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर भी डाल सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जगह 1 माइनस
दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा, और ये होल ब्रैकेट स्क्वायर। अच्छा आप सबको तो पता होगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बराबर। तो इसको ओपन अप कर से सबको पता है, देखो ए माइनस बी लिख के दिया था, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आएगा कुछ, राइट। तो क्यों ना इसको ओपन करें, तो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, ठीक है, माइनस यहाँ पे टू ए बी, तो माइनस टू ए ए बी इधर, मतलब यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट गाइस, घूम फिर के वो पूरा कट होके वही आने वाला है, रुक जा रुक जा रुक जा, रुको रुको। आई थिंक ये मैंने बोला ये बेस्ट है सॉल्व करने के लिए ये वाला, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है हमारी, तो इसमें से कोई भी एक ही सॉल्व करे, नहीं फिर भी सॉल्व करेंगे, रुक जा रुक जा। राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करते गाइस, वो थोड़ा फटाक सा आएगा। चलो ये वाला ट्राई करते, देखो राइट हैंड साइड वाला करते, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से ध्यान दे, इसको सोच समझ के, हाँ देखिए एकदम बहुत ध्यान से देखो। अभी ये वन है ना, वन गाइस, वन की जगह पे बहुत सारा खेल खेल सकते हैं हम यहाँ पे। मैं क्या बता रहा हूँ देखो, जैसे वन है, अगर वन की जगह पे मैंने ऐसे कुछ डाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस मैंने कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे डाला मैंने, ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या आ जाता है मेरे पास, वन आता है ना, आता है राइट। तो ये वन की जगह पे मैं डाल सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, यस। तो ये वन की जगह पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस टू यहाँ पे जो आप साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब मेरी बात पूरी ध्यान सुनना गाइस, तो ही आपको समझने वाला है मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे, एकदम ध्यान सुनोगे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे बताओ गाइस, आप सब लोगों को देखो ये नजर आ रहा होगा अभी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपका कुछ चीजों पर ध्यान है तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों को क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लुक एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुल गाइस, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी आप लोगों ने समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है, फाइन। अब देखो मैं आपको इजी कुछ चीजें बता देता हूँ, मैं एकदम इजी वाली चीज बताता हूँ, मैं ध्यान से देखना वहां पे, ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, कि सब लोगों को ये पता होगा, साइन थीटा कॉस थीटा ना ये, ए प्लस बी दो होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है सबको, ये जस्ट लिखा था ए स्क्वायर सॉरी माइनस वाला माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सबको फॉर्मूला पता है राइट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं, ध्यान से देखो ये। अच्छा मैं अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सब लोग सिर्फ उधर पहले ध्यान देंगे, यू हैव टू लुक वेरी केयरफुल देयर इटसेल्फ, ठीक है। अब Now the thing is this, अगर आप चेक करोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, ये माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ पे टू दिख रहा है, देखो टू है यहाँ पे, और ये आपका ए है, और यहाँ पे आपके पास देखो बी है, दिस इज ए और ये क्या बी है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायरिंग है। तो मेरा क्या सोचना है आप लोगों को, एकदम सिंपल कुछ बताता हूँ मैं, देखो इधर भी आपके पास देखो स्क्वायरिंग है, इधर भी क्या आपके पास देखो स्क्वायरिंग है, नजर आ रहा है आप लोगों को, देखो इधर भी स्क्वायरिंग है, इधर भी स्क्वायरिंग है, ठीक है, देखो इधर भी स्क्वायरिंग है, इधर भी स्क्वायरिंग है, ठीक है। तो देखो माइनस टू ए इंटू बी, हाँ इधर प्रॉब्लम है, इधर स्क्वायर लेकिन इधर स्क्वायर तो है ही नहीं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए, मैं आप लोग कुछ बता देता हूँ, मैं ध्यान से, मैं ये सोच रहा हूँ गाइस कि जो माइनस टू ए बी है, अगर मैंने उसको ये साइड पे शिफ्ट कर दिया, माइनस टू ए बी को अगर मैं ये साइड पे लेके आया, इधर ये साइड पे लेके आया मैं, तो एडजस्ट हो सकता है फॉर्मूला, ये हमारा प्लस वाला है, ठीक है। इसको अगर इधर लेके आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। तो गाइस अभी ये आप सोचेंगे सर ये कहाँ पे मैच हो रहा है हमारा, ये तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये कहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बताऊं गाइस एग्जैक्टली ये कहां पे और किस जगह पे मैच हो रहा है, ठीक है। ये मैच अगर देख रहे होगे तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे तो हो रहा है हमारे पास, पर मैं सोच रहा था कुछ और, होल्ड करो मैं बताता हूँ। कौन था माइनस टू कॉस माइनस माइनस प्लस टू कॉस जस्ट, दो मिनट रुक गया जस्ट मेक एडजस्टमेंट का, सब अच्छे से करता हूँ, हो गया। दो मिनट रुको, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। वन माइनस टू तो भी गड़बड़ हो रही है इसमें, तो गड़बड़ हो रही है। दो मिनट रुको सर, क्या गड़बड़ हो रही है? क्वेश्चन रुको, मैं चेक करता हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं कॉपी किया ना मैंने सर। क्या हो? दो मिनट जरा नेट पे चेक करना गाइस, क्वेश्चन तो गलत सही है। एक मिनट, वन माइनस टू साइंस को भी पास कर, आना चाहिए था। दो मिनट रुको, ये गलत कहा, हमें सही तो क्या वन के जगह डाला, ये साइन एक जगह पर शिफ्ट कर दिया मैंने, वन माइनस कॉस स्क्वायर डाल दिया है, कॉस स्क्वायर फोर थीटा, इसको ओपन कर लिया, फिर वन माइनस टू ये भी करेक्ट है, कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है भाई। एक तो हमारे नई टेक्स्ट बुक है अभी फिलहाल ये वाले सर, अगर अपन फोर थीटा को LHS से किया तो एक चेक कर लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, आ जाना चाहिए एक्चुअली ये, एक सेकंड ना गाइस देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दो मिनट रुक जाओ सर। अच्छा मैं भी यहाँ पे, हो गया एक्चुअली, तो दोनों साइड सॉल्व करना था इसको, डन। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हो गया देखो, चलो सबको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्ट टू एंड पूरा सम, एकदम ध्यान से देखो ये, ओके। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे देखो, मैंने उस दिन फर्स्ट डे में बताया था जब मैं शो दैट कर रहा था, आपको कभी कभी दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा, कभी कभार ऐसा पॉसिबल आपका आंसर आएगा नहीं और आपको दोनों साइड सॉल्व करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या सिचुएशन हुई है, इसमें ये साइड से भी नहीं, ये साइड से भी नहीं हो रहा था, तो मैंने दोनों साइड सॉल्व करके कंपेयर कर लिया, दोनों का आंसर आ गया। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसा आया होगा, ओके। तो मैंने पहले उठा दिया राइट हैंड साइड, मैंने उठाया पहले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 1 की जगह पे, 1 की जगह पे डाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिया मैंने, ये 1 की जगह पे जो आप सब लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या सोचा कि इन दोनों में से कोई भी एक टर्म कन्वर्ट करूं मैं, पूरा कॉस में या तो पूरा साइन में, कोई भी एक टर्म। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना साइन ही कन्वर्ट कर लो। तो सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो गया मेरे पास, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, जो मैंने ये साइन स्क्वायर की जगह पे डाल दिया, मैंने इसकी जगह पे यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है।
फिर बाद में मैंने क्या किया, धीरे धीरे इसको ओपन किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, टू को ही मल्टीप्लाई किया, इसको ही मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ओपन किया, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा टू cos square into cos square, मतलब cos ratio क्या हो गया 4 theta, ठीक है, तो मतलब ये इधर आ गया, fine, तो मैंने ये देखा भाई सारे cos में है, तो फिर ये अकेला sin में रहकर करेगा क्या, तो मैंने सोचा चलो भाई इसको भी कन्वर्ट कर लो, सारे cos में कन्वर्ट कर लो, तो ये sin square की जगह वापस से मैंने क्या डाला 1 minus cos square डाल दिया, ठीक है, फिर देखो ये minus cos square, ये minus cos square, minus minus क्या होता है plus, और यहाँ पे आएगा minus 2 cos square theta, ये हो गया, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, अब इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता है, फोर्थ कर सकते हो बट मत करो, ये बहुत हो गया, फिर मैं गया लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर मैंने ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे चेक किया कि भाई ये साइड पे तो सारे के सारे कॉस है, ठीक है, तो मुझे कॉस रेस टू फोर थीटा तो चाहिए, तो उसको तो मैं चेंज बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं चेंज किसको करूंगा जो नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे नहीं, क्या क्या नहीं चाहिए मुझे, साइन नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया उसको स्प्लिट किया साइन स्क्वायर और स्क्वायर में, ठीक है, बाद में साइन स्क्वायर की जगह पर लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, फिर इसको ए माइनस बी दो होल स्क्वायर की तरह ओपन किया, देखो ये ए स्क्वायर माइनस 2a इनटू b प्लस b स्क्वायर ऐसा, ठीक है, बस बाकी तो काम हो गया तुम्हारे सामने ही है, देखो ये भी कॉस रेस टू 4 थीटा, ये भी कॉस रेस टू 4 थीटा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 कॉस 4 थीटा ऐसा आ गया, अब समझ में आया सबको, ये किसी को डाउट तो प्लीज पूछ सकता है कहीं पे भी, कहीं पे भी जो भी डाउट होगा सर, सर आरएचएस का फोर्थ स्टेटमेंट जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा, हां हां तो हा, फिर वो वाला नहीं समझ रहे, ये वाला, ये क्या, ये कैसा है ऐसा, उसके नीचे वाला, ये वाला क्या, हां वो कैसे, हां वो हा, वो गेम कैसे, देखो एकदम सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैं तुझे अलग से यहां पर दिखाता हूं, देख वो टर्म कैसा माइनस 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और बाहर है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाहर हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, अब तेरे समझने के लिए मैं ऐसे लिख के देता हूँ तुझे, ये 2 और कॉस स्क्वायर है दोनों ही बाहर ही है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाहर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा, अब समझा क्या, मैंने इसको इसका शिफ्ट कर दिया, अब ये पूरा टर्म उठा के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सिंपल, देखो 2 इंटू 1 एन ए कॉस स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा माइनस 2, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉस 4 थीटा ऐसा आ जाएगा, अब समझा, हाँ समझा, हाँ ठीक, लिख लो गाइस फटाफट से, फिर और एक दो क्वेश्चंस करते हैं सर, हाँ पूछो, अगर अपने वो जो LHS की लास्ट स्टेप में 2 को कॉमन ले लिया, कहां तो, कहां 2 कॉमन लिया मैंने कहीं, 2 कॉमन ले लिया तो अगर लिया तो ऐसा, हां 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 जो कॉमन लेना है तुझे ले सकता है, बट तुझे तेरा मैच हो गया ना यहां पर, 2 कॉमन लेके तेरा क्या फर्क पड़ेगा इसमें, कुछ नहीं होगा, देखो ऐसा हो जाएगा 2 कॉमन लेके cos स्क्वायर थीटा माइनस cos रेज़ टू 4 थीटा ऐसा हो जाएगा, और वो cos थीटा को अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर दिया तो cos स्क्वायर थीटा को रहने दिया, किसको चेंज करना है तुझे, इसको 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 चेंज करना है क्या, इसको चेंज करना है क्या, हां इसको चेंज करना है, हां तो फिर बाद में आगे क्या करेंगे आगे, क्योंकि यहां पे तो cos स्क्वायर थीटा ऐसे थीटा लगा डाल देगा, फिर वहां पे cos स्क्वायर की जगह पे तुझे क्या डालना पड़ेगा 1 माइनस sin स्क्वायर डालने का, बट मुझे लग रहा है ऐसा यहां तक आने के बाद, मतलब यहां तक तो आ गया आंसर, तो उसको और स्ट्रेच करके फायदा नहीं, रहने देने का उधर ही, क्योंकि मैच हो गया वैसे भी, क्योंकि तू देख इसको और भी कर सकते हैं, आ गया इतना कर सकते, इतना ज्यादा कर सकते ट्रिग्नोमेट्री, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमें बेसिक इतना टाइम थोड़ी ना एग्जाम्स में हमारे पास होने वाला, तो हम क्या करें जहां तक अपने को आ गया वहां तक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर, ओके ये मोस्ट वाले गाइस कल ही खत्म होगा, इसमें एक दो और सम्स है अच्छे खासे, तीन एक सम, तो मोस्ट वाले कल ही खत्म होगा, ठीक है, ये कर लेता मस्त, टू
sec square theta minus sec 4 theta minus 2 cosec square theta plus cosec 4 theta equals to cot 4 theta minus tan 4 theta. Okay, फाइन गाइस, इसमें मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा. आप सब लोग से ध्यान दबड़ ऑफिस हमें पूरा यही सॉल्व करना है. इसको समझ लिया ना गाइस, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? तो चलो ओके, अब मैं तुम लोगों को स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ. प्लीज ध्यान से देखो. अब ये सारे के सारे टर्म्स भाई सेक और कॉसेक में ही है, सारे चेक कर लो. देखो ये sec square theta, sec raise to 4 theta, minus 2 cosec square theta, cosec 4 theta, ये सारे के सारे sec और cosec में ही है. और राइट हैंड साइड पे अगर चेक करें तो cot और tan में, तो स्ट्रेटेजी इधर ही बन जाती है कि इन सारे टर्म्स को cot और tan में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, अब कैसे करना है बताता हूं मैं. चलो, तो हमारे पास cot और tan को कन्वर्ट करने के लिए वी हैव दिस फॉर्मूला. सबको बताऊंगा, sec square theta माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. तो हमें जितने भी सेक दिखेंगे गाइस, उन सब सेक स्क्वायर जहां पे भी दिखेगा वहां पे ये डालना है हमें. दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है गाइस, ठीक है? एंड जहां पे भी दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बनता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. देयरफॉर इधर आज कॉट को शिफ्ट करो, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ऐसा बनता है. ओके, अब करते हैं स्प्लिट. टू ब्रैकेट डाले, सेक स्क्वायर की जगह पे ये आएगा. हमें सारा टैन में कन्वर्ट करना, कॉट में कन्वर्ट करना. वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा सेक रेट्स टू फोर थीटा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो इसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट बना कॉसेक स्क्वायर थीटा वन प्लस cot square theta, 1 plus cot square theta plus ये आ जाए cosec square theta whole bracket square, ऐसा आ जाएगा. ठीक है, ध्यान से देखो, हम 2 को अभी जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, जब 2 आ जाएगा यहाँ जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा tan square theta माइनस, देखो sec square दिख रहा है ना, उसके जगह पे क्या डालोगे, ये डालोगे 1 plus tan square theta whole bracket square minus, देखो ये 2 है ओपन करो, minus 2 minus 2 cot square theta plus वापस से cosec square दिखा गाइस, ये डाल दो, क्या डालोगे यहाँ पे 1 plus cot square theta whole bracket square. ओके, तो तुम धीरे धीरे सॉल्व करने, देखो प्लस 2 और माइनस तो पहले कट कर दो, अभी क्या बचा है देखो, 1 plus tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट, देखो ये ए प्लस बी तो होल स्क्वायर का फॉर्म है, सबने ओपन अप करना, ए स्क्वायर प्लस टू ए इनटू बी, मतलब वन का तो वन ही आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर का स्क्वायर होगा, मतलब ये आ जाएगा टेन रेज टू फोर थीटा, बॉक्स बना, ये माइनस टू कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी ए प्लस बी द होल स्क्वायर, सो वन प्लस टू cot square, हाँ cot square theta plus this is square का square, मतलब ये आ जाएगा. ठीक है, चलो अब इतना ध्यान से और सोच समझ के करेंगे, ओपन अप करो, सारे साइन बदलो पहले, माइनस वन माइनस टू दिस इज tan square theta माइनस tan raise to 4 theta, देखो चेक कर, देखो ये और ये टर्म तो गया, ठीक है माइनस टू, देखो यहां पे देख लो ना, माइनस टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, देखो ये भी गया, तो क्या क्या बच गया मेरे पास, यहां बचा है मेरे पास प्लस वन बचा है, ठीक है प्लस सर वो वन भी जाएगा ना, हाँ करेंगे ना, अभी करते हैं ना, करेंगे करेंगे, देखो माइनस वन प्लस वन उड़ गया, तो क्या बचा है, देखो नेगेटिव वाला टर्म है और ये पॉजिटिव वाला टर्म है, तो पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिखो
नेगेटिव वाला टर्म बाद में लिखो, ऐसा समझाइए। सो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। इसमें किसी को डाउट है गाइस तो प्लीज पूछ सकता है गाइस, बी फ्री टू आस्क। एनीवन ओके ठीक है, चलो फटाफट लिख लो इसको, फिर फास्ट टर्म फास्ट लिखो, फास्ट टर्म फास्ट।